नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर पीओन पोस्ट। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के गाइस, विद ह्यूज वैकेंसीज, 102 वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लास 10 पास कैंडिडेट के लिए, बिकॉज क्लास 10 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पे लेवल कितना है, सारे सब कुछ डिटेल्स में चेक करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, एंड उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करें, जो जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट क्या क्या है वो दिखा देते हैं, वैकेंसी डिटेल्स, उसके बाद कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है वो एक बार देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्ट जो है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दो अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, प्रोसेस सर्वर के लिए अलग है एंड पियॉन के लिए अलग है। प्रोसेस सर्वर के लिए एक तो फैमिली कोर्ट्स के लिए है एंड एक नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के लिए होता है उसके लिए है। ठीक है, पे लेवल 4 है फॉर प्रोसेस सर्वर एंड पियॉन ऑर्डरली और डाक पियॉन के लिए 3 है पे लेवल। बहुत ही अच्छा पे लेवल है, सैलरी कितना मिलेगा वो भी हम चेक करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसीज है इंक्लूड करके दिया गया है बैकलॉग वैकेंसीज को, एंड टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें तो 102 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। प्रोसेस सर्वर में देखिए ज्यादा वैकेंसी नहीं है, टोटल 2 है फैमिली कोर्ट्स के लिए एंड जो नॉर्मल है उसमें 1 वैकेंसी है। पियॉन ऑर्डरली डाक पियॉन जो फैमिली कोर्ट्स वाला है उसमें 7 वैकेंसीज है, बट जो नॉर्मल वाला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के लिए वहां पे 92 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। तो ये वाले आपको साइट पे आना है। ठीक है, दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के साइट पे आना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, देखिए ये वाले तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं देन जो टैब मैंने दिखाया था ये वाला, इसमें आपको आ जाना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यानी कि जो भी यहाँ पे डिमांड किया गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो आपको देना है, लाइक एप्लीकेंट नेम मतलब कि आपका नाम, एंड जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे वो 2 टाइम्स देना है यानी कि री एंटर करके, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, दोबारा लिखना है, डेट ऑफ बर्थ पहले लिखना है फिर दोबारा री एंटर करके डेट ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, क्लास 10 का रोल नंबर देना है, री एंटर करना है, सिलेक्ट ईयर कौन से साल में आपने क्लास 10 पास किया था वो आपको देना है, री एंटर करना है, फिर से जेंडर सिलेक्ट, री एंटर सिलेक्ट जेंडर, देन नेशनलिटी क्या है, फादर्स नेम क्या है, ये सारे सब कुछ आपको री एंटर करके पूरा जो है मदर्स नेम, स्पाउस नेम यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड का नाम, या फिर अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देन मोबाइल नंबर आपको देना है, ये बहुत ही ध्यान से देना है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, बिकॉज यहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे अलग जाएगा एंड मेल आईडी पे अलग जाएगा। उसके बाद देखना गेट ओटीपी आपको करना है, यहाँ पे गेट ओटीपी जैसे ही आप करेंगे तो आपके दोनों अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है एंटर मोबाइल नंबर ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी, तो वहां पे वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आना है आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आके आपको आधार कार्ड है कि नहीं, ऑब्वियसली आपके पास आधार कार्ड वगैरह होगा। ठीक है, तो यस करना है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर क्या है फिर से री एंटर करना है, देन आधार कार्ड में आपका नाम क्या है वो भी री एंटर करना है। करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पासवर्ड क्रिएट करना। तो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए गए हैं इसको आपको फॉलो करना है। लाइक यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का टोटल होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का, तो मिनिमम मतलब 8 से 9, 10, 12 भी हो सकते हैं, बट 8 कैरेक्टर्स का मिनिमम होना चाहिए। उससे कम अगर होगा तो पासवर्ड यहाँ पे वैलिड नहीं दिखाएगा। ठीक है,
तो कैसे करना है आपको, अपर केस भी रखना है यानी कि कैपिटल लेटर में भी कुछ लेटर देना है, कुछ लेटर लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर में भी देना है, कुछ डिजिट उसमें इंक्लूड करना है, 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हैं, एंड वन स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर दिए गए हैं इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लाइक एट द रेट वगैरह, हैशटैग वगैरह, ये कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, जो यहाँ पे पासवर्ड दिया है उसको आपको री एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड देना है, देन प्रीव्यू करना है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी फॉर्म फिलअप करे आप ऑनलाइन में, हमेशा जो है प्रीव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए, वहां पे जो आपने फिल किया है वो सारे के सारे एक प्रिंटआउट की तरह लगेगा दिखने में, एंड अच्छे से चेक कर लीजिए, गो थ्रू कीजिए, उसके बाद जो है फाइनली यहाँ पे टिक करना है आपको, एंड यहाँ पे भी आपको टिक करना है अंडरटेकिंग में, देन टिक करने के बाद फाइनली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना है मेन पेज में, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, क्लिक टू साइन इन में क्लिक करना है, क्लिक टू साइन इन यानी कि लॉग इन करने के लिए आपको क्लिक करना है, एंड देन वहां पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो जनरेट किया है वो सारी चीजें दे के आप जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है फर्दर प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी, बट अदरवाइज वो तो आप खुद ही कर सकते हैं, बिकॉज आपको तो अपना इन्फॉर्मेशन ही देना है वहाँ पे, जो जो इन्फॉर्मेशन डिमांड किया गया है। हाँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं पता है, नहीं ये समझ आ रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब चलते हैं फिर से नोटिफिकेशन पर, यहाँ पे देखिए जो है लास्ट डेट जो है 18th of April लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। तो 18 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, अगर कोई भी अलग मोड आपने यूज किया लाइक बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय मेल, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो नहीं किया जाएगा, तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या चाहिए, डिजर्वेबल एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सैलरी वगैरह, एज लिमिट वगैरह, वो सारे सब कुछ डिस्कस कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस सर्वर जो फैमिली कोर्स वाला है सिर्फ 2 वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लास 10 पास कैंडिडेट के लिए बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्लास 10 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMV का, एंड 2 साल की एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस सर्वर के लिए जो स्किल टेस्ट की जरूरत है, बाद में रिटन टेस्ट होगा एक पहले, उसके बाद जो स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें ना आपको जो है रियल जो ट्रैफिक रियल रोड पे जो ट्रैफिक होता है ना उसमें जाके, ट्रैफिक कंडीशंस में जाके आपको टेस्ट देना है, इसीलिए आप यहाँ पे कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आपके पास है एंड आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल की अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस, देन आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस वगैरह की और कोई डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सैलरी आप देख सकते हैं पे लेवल 4 है, ग्रुप सी कैटेगरी का पोस्ट है ये, सारे जितने भी मैंने बताया ग्रुप सी का पोस्ट है, एंड 25,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी, एंड मैक्सिमम सैलरी इज 81,100 रुपीज पर मंथ। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 इयर्स इज द मिनिमम एज लिमिट एंड 27 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस सर्वर के लिए जो जनरल सेशन कोर्स के लिए है वो 1 वैकेंसी है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स सेम है। नेक्स्ट आता है पियोन और ऑर्डरली और डाक पियन के लिए, तो यहाँ पे देखिए फैमिली कोर्स के लिए सिर्फ 7 वैकेंसीज है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, ना तो कोई डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आपके पास क्लास 10 पास सर्टिफिकेट है, क्लास 10 पास आपने किया है, देन आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी आप देख सकते हैं क्लास 10 के बेसिस पे बहुत अच्छा सैलरी दिया गया है, 21,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी, एंड 69,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। पे लेवल 3 है, ग्रुप सी कैटेगरी का मतलब पोस्ट है ये, 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है, 27 ईयर्स एंड 18 ईयर्स इज द मिनिमम एज लिमिट। नेक्स्ट जो सबसे नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा है, 92 वैकेंसीज है जो नॉर्मल वाला जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के लिए है, यहाँ पे बाकी के सारे डिटेल्स तो सेम है बट जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हैं 92 वैकेंसीज है, बाकी के सारे जो पियोन के लिए मैंने अभी बताया वही है। हाउ टू अप्लाई करना, कैसे करना है आपको अप्लाई, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया था, तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन विद DSSSB इज अ वन टाइम एक्सरसाइज, यानी कि एक बारी सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालेंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखते हुए अगर आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, अगर आप देखें कि एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है, पियोन के साथ भी कर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर के लिए भी कर रहे हैं, तो आपको दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, एक एक करके एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। पहले सपोज आपने प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। करने के बाद, सबमिट करने के बाद फिर से जो है लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद फिर से जो है अपने पियोन के लिए जो भी करना है अप्लाई वो कर सकते हैं, बट अलग पोस्ट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। सेम रजिस्ट्रेशन से आप दो दो तीन जो है पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 20 मार्च से, यानी कि 20 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 18 अप्रैल तक यहाँ पे चलेगा, ठीक है। एंड वंस वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन, यानी कि एक बार आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया उसके बाद आपको कोई भी अलग से डेट या फिर अलग से ऑप्शन या फिर अलग से चांस आपको नहीं मिलेगा फॉर एडिटिंग, करेक्ट करेक्टिंग या फिर मॉडिफाइंग, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आप करेंगे पहले प्रिव्यू करके अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। नेक्स्ट जो बताऊंगी मैं, एप्लीकेशन फीस वो बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 100 रुपीज रखा गया है एंड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, बट अगर आप वुमेन कैंडिडेट है या फिर SC/ST, PWD या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको तो कोई फीस नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन स्कीम है, एग्जाम कैसे होने वाला है वो दिया गया है, लाइक पोस्ट जो है प्रोसेस सर्वर की है आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें MCQ वगैरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है 100 मार्क्स का। तो क्या सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में करेंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है एंड अरिथमेटिक, चारों सब्जेक्ट में 25-25 करके मार्क्स रहने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स टोटल। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट यानी कि 50 मार्क्स एंड 45% यानी कि 45 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। अगर आप इसी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको बुलाया जाता है फॉर ड्राइविंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। एंड बुलाया जाएगा जो टोटल वैकेंसी है उससे 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, 15 गुन ज्यादा जो कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आपको बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे एंड आपने क्या स्कोर अचीव किया है एग्जाम में उसके बेसिस पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। एग्जाम का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 120 मिनट्स है फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी नहीं, जनरल कैंडिडेट्स ना कि नॉर्मल कैंडिडेट्स है जो, एंड जो PWD कैंडिडेट्स है, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स है, उनके लिए 160 मिनट्स यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एग्जाम में देखिए बाइलिंगुअल एग्जाम होने वाला है, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मतलब सारे सुविधाएं आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल मत छोड़िए इस अपॉर्चुनिटी को। बट हाँ, यहाँ पे याद से 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाला है एक गलत आंसर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से तो आपको करना है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको अच्छे परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो जो है अभी से जो है प्रिपरेशन वगैरह लेना स्टार्ट कर दीजिए, जो सब्जेक्ट्स वगैरह ऑलरेडी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। बाकी के सारे डिटेल्स तो सेम ही है, जी कोई भी पोस्ट देखे आप, बाकी के सारे डिटेल्स सेम है। जहाँ पे स्किल टेस्ट या फिर ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत है वहां पे आपको वो देना है, बाकी के उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, जिनको रिजर्वेशन चाहिए वो देख सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशन देखिए, SC/ST के लिए 5 साल, 3 साल फॉर OBC कैंडिडेट, PWD और EWS के लिए 10 साल, एंड PWD SC/ST के लिए 15 साल एंड PWD OBC के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। बाकी का एज रिलैक्सेशन जो है वो आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए नोटिफिकेशन, मतलब इतना ही है, 20 पेजेस का है, बट ज्यादा वो कुछ नहीं है, आपको बस देखना है कि आपने पोस्ट के हिसाब से आपको चेक करना है। बाकी छोटे मोटे एक बार तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि एक बार अच्छे से रीड करने के बाद ही कीजिए, बिकॉज यहाँ पे सारे मेथड, सारे प्रोसेस सब कुछ डिटेल्स में मेंशन किया जाता है, छोटे छोटे चीज कहाँ पे क्या गलत होता है आपको पता चल जाता है एक बार नोटिफिकेशन आप रीड करते हैं बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो रीड कीजिए, उसके बाद जाके एप्लीकेशन को कम्प्लीट कीजिए। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि क्लास 10 पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनका बहुत दिक्कत होता है क्लास 10 पास करके जो, और ज्यादा पढ़ाई नहीं किया एंड जो बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हो जाता है घर के लिए या फिर कोई और प्रेशर के लिए कि उनको जॉब चाहिए, तो
गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो मतलब जल्दी मिलते नहीं है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए, आई होप कि सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको देन प्लीज लाइक कर दीजिए, मेहरबानी कीजिए। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है आपके मन में, वो भी बताएं मुझे, मैं क्लियर कर दूंगी वो। ठीक है, एंड शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।